आपातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। कहते हैं कि किताबें मनुष्य को महान बनाती हैं। सही मायनों में किताब ज्ञान का खजाना होती है, जहां जितना चाहो उतना ज्ञान हासिल कर सकते हैं। लेकिन तब क्या हो जब किताबें ही आपको आधा अधूरा और गलत ज्ञान देना शुरू कर दें? जी हां, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से एक ऐसा ही मामला निकल कर सामने आया है जिसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल कौशाम्बी जिले के प्रसिद्ध स्कूलों के करीब 2.5 लाख सरकारी किताबों में गलत छाप दिया गया है। राष्ट्रगान से उत्कल बन शब्द गायब हो गया है, जिसके बाद कौशाम्बी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ बवाल मचा हुआ है। दरअसल कक्षा 5 की हिंदी की किताब में राष्ट्रगान लिखा है, लेकिन उसमें उत्कल बंग शब्द नहीं है। मामले में बवाल पढ़ने के बाद शिक्षा विभाग प्रकाशन के खिलाफ नोटिस जारी करने की बात कह रहा है। वहीं कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं मामले में विवाद बढ़ने के बाद प्रकाशन का कहना है कि सिर्फ 2.5 लाख किताबों में उत्कल बंग शब्द गायब है, क्योंकि प्लेट से 2 शब्द गायब हो गए हैं, बाकी करीब 15 लाख किताबों में कोई गलती नहीं है। वही मामले में विद्यालयों के शिक्षकों का कहना है कि गलती किताब छापने में हुई है। ऐसे में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को किताबें वितरित होने से पहले इस पर ध्यान देना चाहिए था। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि राष्ट्रगान से उत्कल और बंगाल प्रांत का नाम हटाने का मतलब राष्ट्रगान की मूल भावना को खत्म कर देना है। शासन ने एक किताबें कौशाम्बी के प्रसिद्ध विद्यालय में भेजी है। जिस किताब में गलत राष्ट्रगान छपा है उसका नाम है वाटिका। यह किताब कक्षा 5 में पढ़ाई जाती है। इस किताब के आखिरी पेज पर राष्ट्रगान लिखा है। इसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़ के बाद फिर सीधे 5वीं लाइन में विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा से शुरू हुए। यह गलती 1-2 किताबों में नहीं बल्कि 5वीं की सभी किताबों में है। बहरहाल किताबों को बच्चों से वापस करवाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। ये हमें भी मामला संज्ञान में आया तो एक किताब ऐसी आई है जो किताबें तमाम प्रिंटिंग प्रेसेस से आती हैं। एक किताब में ये चीज़ दिखी है, कमी थोड़ा सा, एक लाइन मिस प्रिंट हो गया है। मुझे लग रहा है वो त्रुटि हो गई है प्रिंटिंग के समय, तो उसको हम विभाग के माध्यम से संबंधित तक पहुंचा करके इसे दुरुस्त कराने का प्रयास करेंगे। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।